अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बेहद कारगर और करामती वजीफा हम लेकर के हाजिर हुए। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो प्यार में धोखा खाए हुए हैं, जिनको अपना प्यार नहीं मिल रहा, जो अपने प्यार को पाने के लिए तड़प रहे, किसी से प्यार करते हैं मगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहता, वो उनकी मोहब्बत की कद्र नहीं करता है। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए बेहद काम आने वाला है। इसको कहते हैं मोहब्बत का वजीफ़ा, जो आपसे दूर हो रहे महबूब को आपके करीब लाएगा। अगर आपके महबूब ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो भी ये वजीफ़ा काम आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा असरदार है और जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आप इसको सुन करके हैरान हो जाएंगे कितनी जल्दी इसका रिज़ल्ट आता है। और ख़ास बात यह है कि ये अमल आप दिन में करेंगे, इसको आपको रात को नहीं करना है। ऐसे बहुत से अमल होते हैं जिनके एक वक्त मुकर्रर होता है, तो इस अमल को आपको दिन में करना है, क्योंकि अक्सर ही लोग कहते हैं वजीफ़ा रात में ही करने के लिए बताते हैं, कोई दिन का वजीफ़ा नहीं बताया जाता है। लेकिन हम दिन का वजीफ़ा लेकर के आपके सामने आए हैं। जिसके लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे, वो इंसान आपके लिए भागा चला आएगा। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। आप लोगों को पढ़ना क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस वजीफ़े को जब आप लोग करेंगे तो उस शख्स को अपने जहन में पूरी तरह से उतार लें। उसका तस्वुर आपके जहन में होना चाहिए, जिससे हम प्यार करते 24 घंटे उसका तस्वुर हमारे जहन में होता है। लेकिन इस वजीफ़े को करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, दुनिया की सारी चीज़ें आप भूल जाइए। जितनी देर आप ये अमल करें उतनी देर आप सिर्फ अपने महबूब को याद रखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले 3 बार आपको दुरूद शरीफ़ पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जब भी कोई नेक काम करते हैं तो हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक नाम बता रही हूँ, इसको पढ़ना है और जिस तरीक़े से पढ़ना है आपको उसी तरीक़े से पढ़ना होगा। आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लें, और अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही तो आप बैक करके दोबारा देखें। ये वजीफ़ा है या वाइसु या वाइसु। 2 पीपल के पत्ते लें आप, जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं मेरे पास 2 पीपल के पत्ते हैं, और साथ में 2 नींबू भी आपको लेना है। नींबू लेने के बाद पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आप जो नींबू और पत्ता दोनों साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसे कहीं भी किसी चीज़ का दाग नहीं होना चाहिए, नींबू पर भी और पत्ते पर भी। अब पत्ते के ऊपर अपने प्यार का आपको नाम लिखना है, जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं। उस नाम के नीचे आपको 786 लिखना है। जैसे ये पत्ता है उस पर आप अपने महबूब का पहले नाम लिखेंगे, महबूब का नाम लिखने के बाद आपको 786 लिखना है। फिर दूसरा एक आप पीपल का पत्ता उठाएंगे, उसके ऊपर भी आप 786 लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। दोनों को ज़मीन पर रख कर इसके बाद आप एक दीपक जलाएं और पीपल के दोनों पत्तों पर एक एक नींबू पर दम करके पीपल के पत्ते पर रख दें। अब इस दीपक के सामने बैठकर दीपक की लौ को आपको बेहद ध्यान से देखना है और 9 बार आपको या वाइसु का विर्द करना होगा, और फिर इसे चौराहे पर जाकर रात के वक्त ख़ास तौर से डाल देना है। इसके बाद आप लोग इस वजीफ़े का कमाल देखें। यकीन रखकर करें, जायज़ मकसद के लिए करें तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। नाजायज़ तरीक़े के लिए ना करें, किसी को खामखा परेशान करने के लिए ना करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। जिस तरीक़े से मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीक़े से आप इस वजीफ़े को करें, पाक साफ हालत में करें। आपको इसकी पाकी का ख्याल रखना है। जो फीमेल्स हैं वो पीरियड्स में इसको ना करें, इसको अवॉइड करना है। नजिस की हालत में ना रहें, नजाजत की हालत में ना करें। और मर्दों से भी मेरी यही गुजारिश है, अगर आप किसी महिला से मोहब्बत करते हैं, किसी औरत से प्यार करते हैं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उस पर ये अमल करने के लिए आपको पाकी का ख्याल रखना होगा। इस वजीफ़े की मुद्दत है 5 दिन तक। ये एक अहम शर्त है कि आपको इसे 5 दिन तक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर यह अमल आपका असर छोड़ देगा। अगर आपको असर इसका 1-2 दिन में दिख रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको इसे 3रे दिन ही छोड़ना होगा। असर दिखने के बाद भी आपको इसकी मुद्दत को
पूरा करना जरूरी है, वरना आगे जा करके इसका असर खत्म हो जाएगा। किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं, जिस वक्त आपका दिल करे आप शुरू कर सकते हैं। बस पाक साफ हालत में रहे, नहा धो करके करें। और अगर आपको लगता है कि आप जो है इसको नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे मौलाना साहब से भी रابطہ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर नीचे एक फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वो हमारे मौलाना साहब का नंबर है जो कि हर किसी की मदद करते हैं। तो आप उन्हें व्हाट्सएप करें या फिर आप उनको फ़ोन करें और अपनी परेशानियों से जल्द निजात पाएँ और अपनी ज़िंदगी में जो खुशियां आपका इंतज़ार कर रही, उन खुशियों को पाने के लिए जल्द से जल्द उनसे रابطہ करें। फ़िलहाल आप सभी से फिर से होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ, एक नए अमल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।